सो नमस्कार दोस्तों, टेक ब्राइट प्रो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन को जो है टीवी में कैसे कनेक्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूँ कैसे कनेक्ट कीजिएगा बिना किसी ऐप के या बिना किसी तार केबल के, यानी वायरलेसली और बिना किसी ऐप का। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है, वैसे भी वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो देखना दोस्तों मज़ा आ जाएगा देखने के बाद। जिससे ये होगा कि आपके फ़ोन का है जो छोटा स्क्रीन वो टीवी के बड़े स्क्रीन पर दिखेगा, तो सोचिए क्या ही मस्त लगेगा। गेम भी आप खेल पाइएगा, चाहे जो भी मानो, मूवी देखिए, सॉन्ग देखिए या गेमिंग करिए, सारा काम होगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में आपको लास्ट तक जरूर बने रहना होगा। तो अगर टीवी में आप कनेक्ट करना चाहते हो सबसे पहले, तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके जरूर सपोर्ट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए, और साथ साथ ही बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर सेट जरूर कीजिए ताकि नए वीडियो की जानकारी मिल पाएगा सबसे पहले। हो सकेगा तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा तो और भी लोगों और दोस्तों का हेल्प हो पाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कमेंट में, या यहाँ पर कमेंट में आपको लिख देना है टीवी में कनेक्ट हो जाएगा तो फ़ोन को टीवी में कनेक्ट करें, ये आपको कमेंट कर देना है। तो बस ये छोटी सी काम कर लेने के बाद आप फ़ोन को आप कैसे टीवी में कनेक्ट कर पाएगा, इसके लिए थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि आज तक जितना भी आपने वीडियो देखा होगा यूट्यूब पर, वो सारे लोगों ने आपको जो है ऐप के जरिए टीवी को कनेक्ट करने के लिए बताया होगा। लेकिन मैं बिना ऐप और बिना किसी तार केबल के कनेक्ट करके आपके सामने लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को लेकिन आपको क्या करना है, बस लास्ट तक देखने रहना, मजा आ जाएगा आप सबको देखने के बाद। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ सेटिंग्स कर लेना है। सबसे पहले तो कुछ ना कुछ सेटिंग तो आपको अपने टीवी में करना है, लेकिन सबसे उससे पहले मैं कर लेता हूँ फोन के अंदर, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो आपके फोन का इंटरनेट चालू नहीं होना चाहिए। इंटरनेट अगर चालू रहता है, टीवी में कनेक्ट होता है, तो आप जो भी चीज चलाओगे लसक लसक के चलेगा, तो इसीलिए आपको अपने फोन के नेट को जरूर बंद कर लेना है। लेकिन 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 वाईफाई को आप सबको चालू कर लेना है सबसे पहले, क्योंकि देखिए वायरलेसली चला रहे या तो कुछ कुछ कनेक्शन के लिए है जो वायरलेस चलाना है, तो उसका ऐसे तो इसका वाईफाई हमेशा ओपन ही रहता है, तो बस आपका वाईफाई चालू होता है कनेक्ट होने के लिए। लेकिन वाईफाई कनेक्ट करने से नहीं होता है, कुछ और सेटिंग्स करना पड़ता है, जो कि दोस्तों एक सेटिंग आपको अपने फोन के नोट जो है नोटिफिकेशन बार में देखने को मिल जाएगा कास्ट के नाम से, क्योंकि कास्ट से ही कोई भी टीवी में कनेक्ट होता है। यार देख सकते हो कास्ट में बिल्कुल टीवी सा लोगो बना रहेगा, जो कि स्पेशल आजकल सभी फोन में है जो कंपनी वाले देते हैं, क्योंकि आजकल सब लोग जो है टीवी में कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसीलिए दे देता है कंपनी वाले, अदरवाइज ये पहले नहीं देता था। तो यहाँ कास्ट वाला ऑप्शन नहीं, यहाँ पर देखिए मिल चुका है दोस्तों, यहाँ पर देखिए। हो सकता है गाइस कि आपके फोन में यहाँ पर नोटिफिकेशन बार में कास्ट वाला सेटिंग देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, नोटिफिकेशन बार में ये एडिट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एडिट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो भी आपका जो ये रहेगा आइकॉन, नोटिफिकेशन आइकॉन, इन सब में आपको मिल जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से उठा कर रख देना है, वैसे मैंने जो रख दिया है तो जरूरत ही नहीं है, डन कर देना है। अगर इसके बावजूद भी आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो एक और तरीका बताता हूँ आपको क्या करना है दोस्तों, सेटिंग के अंदर आ जाना है। सेटिंग के अंदर जैसे आओगे तो आपको क्या करना है दोस्तों, कनेक्शन वाला तो एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फोन के अंदर, यहां पर देखिए कनेक्शन वाले सेटिंग पर क्लिक कर लेना है, तो यहां पर आपको मिल जाएगा कास्ट। और अदरवाइज इसके अलावा क्या उपाय है दोस्तों कि सर्च कर सकते हो आप यहां पर कास्ट, यहां पर मैं कर लेता हूं कास्ट को, मैं जैसे सर्च करूंगा तो यहां पर देखिए आ चुका है ऊपर पर, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। बस ये आपका मिल गया समझ लीजिए, बस इस सेटिंग को यहां से आपको है जो चालू कर लेना है। लेकिन इसे चालू करने से पहले दोस्तों टीवी में कुछ करना है, जैसे कि देखिए टीवी तो वैसे नॉर्मल है जो आपका बंद रहेगा, बिल्कुल मेरे तरह, जैसे कि ये देखिए मेरा टीवी बिल्कुल बंद हो चुका है। तो सबसे पहले तो जो है टीवी को सबसे पहले आपको चालू कर लेना है, तो जैसे कि देखिए मैं थोड़ा डिस्टेंट पर हूँ और इसका बैटरी भी पुराना है, शायद इसी वजह से ये काम नहीं कर रहा, तो सबसे पहले टीवी को तो ऑन करना ही है दोस्तों। तो देखिए मेरा टीवी जो है ऑन हो चुका है, ये मारो का है, तो ये देखिए यहाँ पर हो रहा है ऑन, तो इसे ऑन होने में देखते हैं कितना समय लगता है, ज़्यादा नहीं लगेगा, वैसे तुरंत ही हो चुका है। फिर यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, होम बटन पर, होम पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इस पर आएगा तो आपको क्या करना है दोस्तों, बस इसे थोड़ा नीचे की साइड करता हूँ, देखिए यहाँ नीचे की साइड किया, इधर देखिए साइड में आपको एनी व्यू कास्ट मिलेगा, इस पर आपको जाना है और ओके कर देना है। ओके कर दोगे दोस्तों तो ये इसका काम हो चुका है।
तो देखिए यहाँ पर जैसे ही होगा तो थोड़ा इसे जो है ऑन करने में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, तो उसको पहले ऑन होने दीजिए, नहीं तो ये कनेक्ट नहीं होगा, तो थोड़ा ये टाइम ले सकता है, बस 4 से 5 सेकेंड लेगा दोस्तों। ये देखिए ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर कीजिएगा दोस्तों, बस यहाँ से वाईफाई को जरूर ऑन करना है दोस्तों, क्योंकि वायरलेसली चला रहे हैं तो वायर नहीं है तो वाईफाई ऑन करना ही होगा। बस यहाँ से कास्ट वाले सेटिंग को ऑन कीजिए, यहाँ से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाता है तो आप यहाँ पर कीजिए, फिर आपको क्या करना है टर्न ऑन कर देना है। जैसे ऑन करोगे तो यहाँ पर आपका है जो टीवी का नाम आ जाएगा, तो यहाँ पर क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो आपका उधर जो है कनेक्टिंग होना चालू हो जाएगा, जैसे कि देखिए हो रहा है। तो ये देखिए फाइनली मेरा जो है कनेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर देखिए मैं अपने फोन को चला पा रहा हूँ। यहाँ पर मैं MX प्लेयर में जाता हूँ, कोई आपको यहाँ पर सॉन्ग चला के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर जो हूँ मैं कोई भी एक गाना को जो है सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देखिए मैं प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर बढ़ा लिया और देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा जो है स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छी ढंग से है जो चल रहा है यहाँ पर, तो देख सकते हो क्या ही मस्त ढंग से चल रहा है, मजा ही आ रहा है चलाने में यार। जितना गाना जो भी चाहे प्ले कर सकते हो, मजा आ जाएगा आप सबको देखने में। हाँ पर ये देखिए दोस्तों, इसका मैं आवाज भी आप सबको बढ़ा के दिखाता हूँ। तो मतलब देख सकते हो दोस्तों, ज्यादा देर चलाऊंगा तो मतलब दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए हम गानों को यहाँ पर बंद कर दें। और गेमिंग करोगे तो उसका तो एक अलग ही मजा आएगा दोस्तों। वैसे मेरे फोन के अंदर जो है PUBG जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं है मेरे फोन के अंदर, नहीं तो आपके सामने मैं जो हूँ प्ले करके आप सबको दिखाता। बाकी आप ट्राई कीजिएगा, जरूर ही मजा आएगा। आप यहाँ पर गेम कीजिएगा तो सब आपकी टीवी में दिखेगा, जिससे क्या होगा कि एनिमी बड़ा बड़ा दिखेगा, मजा आएगा मारने में। तो ट्राई जरूर करना दोस्तों, 100% आप सबको काम करेगा। अगर नहीं होता है आपका कनेक्ट तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, तो उस पर भी मैं स्पेशल वीडियो लेके जरूर आऊंगा। और अपने फोन का आप नाम कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। तो ये था इस वीडियो में जो कि हमने आपको बता दिया, उम्मीद है पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।